हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 हिंदी भाषा मंजरी का चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर लाएंगे। चैप्टर का नाम है आओ लिख ले नई कहानी। तो कृपया अपना कॉपी और पेन अपने साथ रखें ताकि क्वेश्चन आंसर आप साथ साथ कर सकें। पहला क्वेश्चन है, इस कविता में बेटी युग से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि को किसकी इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तो इसका उत्तर इस प्रकार हम देंगे, इस कविता में बेटी युग से कवि का तात्पर्य इस युग में बेटे और बेटियों के बीच अंतर करने की मानसिकता को दूर करने तथा विकास के लिए दोनों को समान अवसर देने का सुझाव दिया है। ठीक है, आओ लिख ले नई कहानी में। दूसरा क्वेश्चन है, आपकी समझ से हम सब मिलकर कैसा इतिहास गढ़ेंगे? इसका उत्तर हम इस प्रकार देंगे, हम सब मिलकर फौलादी लिए नेक इरादे से समाज और देश का विकास कर अपनी सफलता का इतिहास खुद गढ़ेंगे। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रश्न है, बेटी युग को सम्मान पर्व, पुण्य पर्व तथा ज्ञान पर्व क्यों कहा गया है? इसका सही जवाब होगा, बेटी युग को सम्मान पर्व, पुण्य पर्व तथा ज्ञान पर्व कहा गया है क्योंकि बेटियों को साक्षर करना, उन्हें भी पढ़ाई में मौका दिया जाना सम्मान का विषय है। उनकी दयनीय स्थिति से सम्मान की स्थिति तक पहुंचाना पुण्य पर्व है तथा समाज की आधी जनसंख्या को निरक्षरता से साक्षरता की ओर उन्मुख करना ज्ञान पर्व है। जब बेटे और बेटियां दोनों शिक्षित होंगे तभी परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास होगा। इस प्रकार बेटी युग को सम्मान पर्व, पुण्य पर्व तथा ज्ञान पर्व कहा गया है। चौथा क्वेश्चन, कवि ने सोने की चिड़िया किसको कहा है और क्यों? इसका उत्तर होगा, कवि ने सोने की चिड़िया भारत देश को कहा है क्योंकि बेटियों की शिक्षा से दोनों शिक्षित होंगे तभी परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास होगा। इसके बाद चौथे प्रश्न की ओर बाद पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुँचेगी? इसका उत्तर होगा, बेटे और बेटियों दोनों को उनके हाथों में पुस्तक देकर शिक्षित बनाना होगा, तब ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। अब छठे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, कवि को बेटे युग की हवा सुहानी क्यों लग रही है? इसका सही जवाब होगा, कवि को बेटी युग की हवा सुहानी लग रही है क्योंकि अब उसे बेटे और बेटियों के बीच अंतर करने की मानसिकता को दूर करने तथा विकास के लिए दोनों को समान अवसर मिलता दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद पाठ से आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर आया हूँ। प्रश्न इस प्रकार इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नानी वाली कथा कहानी को कवि ने पुरानी क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा, नानी वाली कथा कहानी को कवि ने पुरानी कहा है क्योंकि उनमें पुरुषों के शौर्य, पराक्रम और वीरता की कहानी होती थी, परंतु बदलते वातावरण में उसकी महत्ता छीन होती जा रही है। अब बेटियां अबला न होकर सबला हो गई हैं। इस प्रकार से पार्ट 4 आओ लिख ले नई कहानी का क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होता है।
हम क्लासेस हिंदी भाषा मंजरी का कंप्लीट वीडियो चैप्टर 1 से चैप्टर 18 तक बनाया हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।